अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं आपका ख्वाजा मोइनुद्दीन। आज हम लोग प्रॉन्स मसाला करी बनाएंगे। जी हाँ, तवा प्रॉन्स मसाला करी बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। नवाब्स किचन के स्टाइल में आसानी से कैसे बनाते हैं, चलिए देखते हैं। सारे प्रॉन्स को हम लोग साफ करे बाद सॉल्ट वाटर में इसको अच्छी तरह दो बार वाश करके रखे थे। इसी प्रॉन्स में हम लोग फर्स्ट मैरिनेशन के प्रोसेस में जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करे बाद इसी में हम लोग टर्मरिक पाउडर ऐड करेंगे। टर्मरिक पाउडर के साथ साथ हम लोग इसमें रेड चिल्ली पाउडर भी ऐड करेंगे। इसी मैरिनेशन के प्रोसेस में कोरिएंडर पाउडर भी ऐड करेंगे। इन सारे स्पाइसेस ऐड करे बाद इसी में हम लोग लेमन जूस भी ऐड करेंगे। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट टैमरिंड पेस्ट। फाइनली इसमें हम लोग सॉल्ट भी ऐड करेंगे। अब इसी प्रॉन्स को हम लोग 30 मिनट तक मैरिनेशन के लिए रखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस देखेंगे। हाफ एन आवर तक प्रॉन्स अच्छी तरह मैरिनेट हो गए बाद हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं। उसके लिए पहले हम लोग पैन रखे थे, पैन गर्म हो गया, इसी पे हम लोग ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल गरम होते ही हम लोग इसमें गार्लिक ऐड करेंगे। इमीडिएटली हम लोग इसमें फाइनली चॉप्ड ऑनियंस ऐड करेंगे।
ऑनियंस 5 मिनट्स तक अच्छी तरह पके बाद इसी में फिर से हम लोग थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। नेक्स्ट इसी में हम लोग स्लाइस्ड ग्रीन चिल्ली से ऐड करेंगे। इसी वक्त जो पहले ही मैरिनेट करके रखे थे प्रॉन्स, उसी प्रॉन्स को इसमें ऐड करेंगे। सारे मसालों में प्रॉन्स अच्छी तरह मैरिनेट भी हो गए हैं और इसी तवे पे अच्छी तरह पक गए भी है, देखने को बहुत ही यम्मी लग रहा है। फाइनली इसमें हम लोग ऑल स्पाइसेस पाउडर गरम मसाला ऐड करेंगे। गरम मसाला ऐड करते ही इसको हम लोग फाइनली चॉप्ड कोरिएंडर से गार्निश करेंगे।
वीडियो देखते ही अपने दोस्तों को और रिश्तेदारों को शेयर करना ना भूलें, और नेक्स्ट वीडियो अपलोड होने तक हमारे टीम के लिए दुआ करिए। अल्लाह हाफिज़।